जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय में आपसी सुलह समझौते के आधार पर 12 जोड़ों को प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय देवेंद्र कुमार सिंह ने अपने समक्ष एक दूसरे को माल्यार्पण करवाकर गिफ्ट देकर विदा किया। इस संबंध में जब जोड़ों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोगों का आपसी कहासुनी की वजह से मनमुटाव के कारण विवाद हो गया था, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब न्यायालय में वकील व जज साहब के समझाने पर हम लोग खुशी खुशी घर जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपसी सुलह समझौता कर चुके जोड़ों व प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा, ये तो पूरा परिवार आया हुआ है, इनके साथ खिंचवाना हो तो लाओ, ये माला देना, माला दे दे लो तो पहले। अरे महिला उड़ा क्या कार्यक्रम मत करो, महिलाओं का बेटा कोई फोटो भी ले लेते आप, ले आप इनको डाल, बहुत बढ़िया, खुशी खुशी रहना, साथ साथ लाओ बोला। अच्छा ये है नी, बहुत बहुत खुशी से रहना, ठीक है। हाँ क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, कोई बात नहीं, आप ही डाल दीजिए, और बड़ी खुशी से रहना, लीजिए मैडम, ठीक है सर, खुश खुश रहना, आप डरना मत, बहुत अच्छी जगह नहीं है कचहरी आने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, मारना पीटना मत करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और देखो आप खुश रहो, मतलब लीजिए भाई, खुश रहना, साथ साथ रहो, ये लीजिए कुछ जबर, बच्ची आपकी पत्नी कहाँ है, आइए पकड़िए, हाँ ये लीजिए आप ही के लिए है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लीजिए, हाँ आप खींचिए, हाँ रमेश कुमार साहनी, आज आप सुलह समझौते के बाद क्या कारण तक अलग हुए थे, किस तरह से आप लोगों को मदद किया गया न्यायालय में, गलत फहमी में हुआ था, अभी किस तरह से आप लोग मदद हुई है, क्या आगे किस तरह रहेंगे, सुलह समझौता के दौरान मतलब दोनों पक्ष वकील साहब के प्रयासों के द्वारा समझौता, न्यायालय के लिए कुछ कहना नहीं, बहुत मदद, हाँ कोर्ट ने मदद की। सतीश कुमार, आज आप खुशी-खुशी घर जा रहे हैं, क्या मामला था, अलग हुए थे, फिर कितने दिन मुकदमा चला, एक साल नहीं, एक महीना चला, क्या कारण था, कारण को आपसी प्रॉब्लम था, आज फिर एक साथ जा रहे हैं, कहना चाहेंगे न्यायालय के लिए, बहुत अच्छे हैं न्यायालय के लोग, आप लोग तमाम मदद, हाँ बहुत मदद किए, सुलह समझौता करा दिए, क्या उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अलग हो जाते हैं, नहीं अलग तो नहीं होना चाहिए, एक साथ रहने से अच्छी है, एक साथ ही रहना चाहिए, क्या कारण था, अलग कितने दिन हो गया, ये एक आदमी हो गया है, और आज फिर एक रुपये जा रही है, कैसा लगा, अच्छा लगा, कहना चाहेंगे न्यायालय के लिए, इतनी जल्दी आपकी मुकदमा खत्म, हाँ अच्छा हो गया, मुकदमा खत्म हो गया, आज माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति के उपस्थिति में गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, और माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति की उपस्थिति का इतना प्रभाव हुआ है कि पिछली बार से बहुत अधिक मुकदमे इस बार निस्तारित हुए हैं, और जहां तक परिवार न्यायालय की गोरखपुर की बात है तो कुल 82 मुकदमे परिवार न्यायालय द्वारा तय किए गए हैं आपसी सुलह समझौते के आधार पर, और
14 मुकदमे प्री लिटिगेशन केस के अलावा हुए हैं और इनमें से 12 जोड़े ऐसे रहे हैं जो साथ साथ गए हैं यहाँ से सुलह समझौते के बाद। सर कितना कारगर साबित हो रहा लोक अदालत अदालत का असली तात्पर्य यह है कि मुकदमों को लंबा ना खींच के आपसी सुलह समझौते से अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया जाए, क्योंकि यदि लोक अदालत में कोई मामला निस्तारित होता है तो ना तो उसकी कोई अपील होती है ना कोई रिवीजन होता है और ये अंतिम रूप से यहीं दोनों पक्ष संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो लोक अदालत का उद्देश्य पूर्णतः सफल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें बहुत अधिक सफलता मिल भी रही है।